एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है और महाविकास आघाड़ी ने आक्रामक रुख जो है अपना लिया है। आपको बता दें कि अब इसे लेकर महाराष्ट्र के भिवंडी में महाविकास आघाड़ी के सभी दल एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला, साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, नगरविकास मंत्री आहेत, ह्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर जेव्हा कारवाई केली जाते, ईडीमार्फत कारवाई केली जाते आणि ती सूडबुद्धीच्या उद्देशाने केली जाते असं जेव्हा दिसतंय, तेव्हा सरकार एकत्र येऊन त्यांच्या सपोर्टला उभी राहिलेली आहे। आणि आपण जो प्रश्न केला की महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेना त्यांच्यासोबत नाही, तर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि ते त्यांच्यासोबत आहेत, राहणार आहेत आणि पुढेही दिसणार आहे। आणि जो आपण आता सांगितलं का आज जो प्रदर्शन इथे शिवसेनेमार्फत आम्ही दाखवण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकत्र आहे आणि एकत्र दिसणार आहे। की कार्रवाई से नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने से पूरे महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी ने धरना मोर्चा प्रदर्शन किया है। भिवंडी शहर में भी आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से धरना दिया गया। जकात नगर से होकर प्रांत कार्यालय तक तीनों पार्टी ने, मतलब महाविकास आघाड़ी ने मिलकर धरना दिया और मोर्चा निकाला और जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी को एक निवेदन भी दिया। भिवंडी से अमृत शर्मा की रिपोर्ट, MKN न्यूज़।